नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं NHR न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल पर्वत से बचाया गया भारतीय पर्वतारोही शीत दंश से पीड़ित है और बलजीत कौर सहित कुल 5 पर्वतारोहियों को माउंट अन्नपूर्णा के आसपास के विभिन्न शिविरों से बचाया जा चुका है। और एक अधिकारी ने कहा कि बलजीत कौर 27 वर्षीय भारतीय महिला पर्वतारोही जिसे मंगलवार को नेपाल में माउंट अन्नपूर्णा के कैंप 4th के पास लापता होने के बाद ही बचाया गया है और शीत दंश का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि नेपाली सेना ने मौत की बाजी लगाकर भारतीय पर्वतारोहियों को बचाया है और बलजीत कौर को 7363 मीटर की ऊंचाई से बचाया गया है। जब एक खोजी दल ने कैंप 4th के ऊपर उनका पता लगा लिया और शेरपा ने कहा कि बलजीत कौर ने पूरक ऑक्सीजन का उपयोग किया और बिना माउंट अन्नपूर्णा दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी को फतह कर लिया था। और अभी भी भारत का एक पर्वतारोही राजस्थान का अनुराग मालू लापता बताया जा रहा है। और नेपाली सेना ने फिर से कर दिखाया एक बड़ा काम और भारतीय पर्वतारोहियों को बचाकर सही सलामत उनके घर वापस भेज दिया गया है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।